दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने भी कर दिया धोनी का समर्थन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच बनाने के लिए तमाम दिग्गज धोनी के समर्थन में आ रहे हैं। इस दौरान MS धोनी को कोच बनाने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने BCCI के लिए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कोच बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में गुस्से का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि सभी को लगता था कि भारतीय टीम इस साल अपने बेहतरीन फॉर्मेट में तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ICC टूर्नामेंट जीतने के सूखे को समाप्त कर देगी और इतिहास रच देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके असली जिम्मेदार भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को बताया जा रहा है। राहुल द्रविड़ के काफी ज्यादा हैरतअंगेज फैसले और खराब रणनीति ने भारत को हार का मुंह दिखाया है। ऐसे में अब राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम से बाहर करने की मांग उठ चुकी है। इस दौरान राहुल द्रविड़ की जगह अब धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच बनाने के लिए काफी मांग तेज हो चुकी है। और इस बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर BCCI से मांग कर सनसनीखेज बयान कर दिया, जिसमें सचिन ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली भारतीय टीम को शर्मनाक हार के बाद मैं खुद काफी ज्यादा निराश हो चुका हूँ। मुझे लगता है भारतीय टीम के अंदर वास्तव में बड़े बदलाव करने की जरूरत हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस समय भारतीय टीम के बोझ बने हुए हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों को तो बाहर करना, साथ में टीम मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ऐसे में मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम के लिए सिर्फ टीम के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट में भी कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए, जिसके समर्थन में मैं अभी से हूं मानता हूं। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ को पूछा जाए कि उन्होंने खराब रणनीति के अनुसार फाइनल मुकाबले में टीम को क्यों उतारा और इस मुकाबले में मिली हार के जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अगर इसी तरीके से खराब प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम की तरफ से राहुल द्रविड़ को हेड कोच की भूमिका से बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कोच बना दिया जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पास में एक अलग काबिलियत है और MS धोनी भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी है। ऐसे में मैं MS धोनी को अगर भारतीय टीम का कोच बना दिया जाता है तो भारतीय टीम की रूपरेखा बदल जाएगी और भारतीय टीम आने वाले समय में सभी सीरीज के अंदर बेहतर प्रदर्शन करेगी, साथ में वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। ऐसे में धोनी को टीम में कोच की भूमिका में अवश्य शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच बना देना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।